नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज गिरिडीह। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। कोर्ट स्टाम्प फीस में बढ़ोतरी के विरोध में झारखंड स्टेट बार काउंसिल की अपील के बाद आज पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखा है। बता दें कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने कोर्ट स्टाम्प फीस में बढ़ोतरी की है। इस मामले में अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि इस बढ़ोतरी से अधिवक्ताओं से अधिक मुवक्किलों का बोझ बढ़ेगा। स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर हाईकोर्ट ने सभी अधिवक्ताओं ने अपने आप को न्यायिक कार्य से दूर रखा है और काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। सरकार को इस बढ़ोतरी पर पुनः विचार करने की जरूरत है। देखिए, जिस प्रकार से सरकार के द्वारा कोर्ट फी का एनहांसमेंट किया गया है वो अधिवक्ताओं को तो कम प्रभावित करेगा, लेकिन जो मुवक्किल हैं वो इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसी को लेकर आज झारखंड स्टेट बार काउंसिल के द्वारा एक आह्वान किया गया था कि हम लोग जो है अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखेंगे और काला बिल्ला लगाकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और काला बिल्ला लगाने की प्रक्रिया चालू हो गई, सब लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं, जैसे जैसे लगाया जा रहा है। और ये एक प्रतीकात्मक जो है ये विरोध, और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कोर्ट की बढ़ोतरी को खत्म करना चाहिए जिससे कि अधिवक्ता और मुवक्किल दोनों शांति से अपना काम कर सकें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सिटी न्यूज गिरिडीह।